हम बिस्तरी के लिए निकाह होना जरूरी नहीं है। अच्छा जी आपने बिल्कुल सही सुना, मगर ये मेरे व्यूज नहीं है, ये कैप्टन सफदर साहब फरमा रहे हैं। यकीन नहीं आया ये सुन? हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे मैं साबित करूंगा। जिंदाबाद। घिनौना और गलीज झूठ। By leaving the matter of fatwa to some alame deens, हम लीगल बात करते हैं। चलो भाई। And from any legal standpoint, if you do this, you will commit a crime of fornication, जिसकी सजा है 5 साल कैद and 10,000 रुपए जुर्माना। Conversely, अगर आप falsely किसी को allege करते हैं और किसी पर ये इल्जाम लगाते हैं तो यही सजा आपको भी हो सकती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। So without waiting for any religious scholar to reply him, which is the least case scenario, I decide to explore it. So let's do it. Now come to the later part. Yani हमारे मजहब में जिसे हद या हदूद ऑर्डिनेंस कहा जाता है उसके मुताबिक भी ये ऑफेंस है जिसकी सजा 100 कोड़े है। And similarly अगर कोई गलत इल्जाम लगाता है किसी पर तो उसको भी 80 करोड़ों की सजा दी जाएगी। इसके अलावा क्रिश्चियन रिलीजन के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक भी ये एक ऑफेंस है। सो कीप इट टू हिम एंड डोंट डू इट।